जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद अब विरोध लगातार जारी है। जाति आधारित गणना का विरोध जो है वो लगातार जारी है, और ऐसे में पटना की सड़कों पर आपको एक पोस्टर देखने को मिला होगा। ये पोस्टर आप हमारे बगल में देख सकते हैं, जिसमें सीधे तौर पर ये पोस्टर जो है वो भीम आर्मी की ओर से लगाया गया, जो जौहर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। और सीधे तौर पर इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और दोनों जो मुसलमान टोपी पहनते हैं वो टोपी उन्होंने पहन रखी है, हरे रंग की टोपी है। और सीधे तौर पर नीतीश कुमार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं अहंकारी हूँ और मैं दलित विरोधी। सीधे तौर पर इस पार्टी की ये मांग है, पार्टी ये कहना चाह रही है कि सामाजिक न्याय है ढोंग तुम्हारा, 83% को प्रोन्नति दिया, 17% के आरक्षण का हक मार दिया, बिना आरक्षण का प्रमोशन तुगलकी फरमान है, या सामाजिक न्याय नहीं तानाशाही है, शर्म करो शर्म करो। तो जिस तरह से जाति आधारित गणना की जब रिपोर्ट आई है तो उसमें जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी 17% है, तो ऐसे में इस पोस्टर के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो 17% जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनको आरक्षण का हक नहीं दिया गया, और 83% जो हैं जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण, उनको प्रोन्नति दी गई है। और उस प्रोन्नति यानी कि जिस तरह से अभी बिहार सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन दे रही है, तो उस प्रमोशन में जो हिंदू हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें आरक्षण का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो 17% मुसलमान वर्ग के लोग हैं तो उसमें आरक्षण का जो ख्याल है वो नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण यानी कि मुसलमान और यादव समीकरण की बात करती है, नीतीश कुमार भी जो है मुसलमानों की बात करते हैं, हाल के दिनों में उन्होंने मुसलमानों की एक बैठक भी बुलाई थी, तो ऐसे में अब जो सियासत है वो तेज़ हो गई है, और अब ये कहा जाने लगा है कि जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं उनके आरक्षण को नीतीश कुमार ने, उस हक को मार लिया है। सीधे तौर पर जिस तरह से 17% आबादी जो है वो बिहार में मुसलमान समाज की, और जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई तो उसमें हिंदू जो हैं वो 83% हैं और उसके बाद 17% मुसलमान हैं, लेकिन अब मुसलमान समाज के जो लोग हैं, मुसलमान समाज के नेता हैं, उनका ये आरोप ज़रूर हो रहा है कि जो 17% मुसलमान समाज के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से 83% जो हिंदू वर्ग है उसमें आरक्षण का ख्याल रखा जा रहा है, और उसमें जिस तरह अलग अलग जातियों को अलग अलग प्रतिशत आरक्षण है, जैसे जो जनरल हैं उनको अलग आरक्षण है, जो EWS हैं, SC ST OBC इसमें अलग अलग आरक्षण है, लेकिन अब 17% जो मुसलमान समाज है उनके आरक्षण का जो हक है वो मारा जा रहा है। तो सीधे तौर पर अब मुसलमानों की ओर से विरोध जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का विरोध जो है वो शुरू हो गया, और सीधे तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने को मुसलमान समाज का नेता कहते हैं, इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं, नीतीश कुमार ईद की नमाज में भी शामिल होते हैं, तेजस्वी यादव के भी घर पर इफ्तार पार्टी होती है, तो ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो हैं अब उनके ऊपर यह आरोप लगने लगा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो दलित विरोधी हैं और नीतीश कुमार अहंकारी, और अपने अहंकार में उन्होंने 17% जो आरक्षण है उस हक को मार लिया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी जो मुसलमान को अपने साथ रखने की बात करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब मुसलमान समाज के लोग भी नीतीश तेजस्वी के खिलाफ पूरी तरह से आक्रोशित। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।